लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें LKO मस्ती चैनल को और देखते रहें हमारी आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम दिखाने वाला है एक बहुत बेहतरीन स्टॉक जो कि JCAR 24 का है और आपको देखने में काफी मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी खड़ी हैं। और सबसे मेन बात जो है दोस्तों, हमारे भाई लोग, बहुत सारे भाई लोग कमेंट्स करते हैं कि हाई प्राइस है। अब देखिए, जो भी है डीलरशिप पे क्या प्राइस बताते हैं क्या नहीं बताते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है क्योंकि अपना काम है आप लोगों को अच्छा कंटेंट और बैठे बैठे आपको जो है अच्छा सा वीडियो दिखाने का, यानी कि जो भी कार्स यहाँ पर खड़ी हैं उनका वीडियो बना करके आप तक पहुँचाने का हमारा काम है जो कि हम करते हैं। बाकी रेट डीलरशिप पे क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि ये सारी चीज़ें आप जब कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनल रेट गाड़ी का क्या है। जैसे कि गाड़ी का कोई भी रेट बताया जा रहा है, आप कॉल करके बात करें कि भाई मुझे ये रेट नहीं समझ में आ रहा है, इसका फाइनल रेट जो है क्या है मुझे आप बताएं और कम करें, क्योंकि कोई भी डीलरशिप पे जो है फिक्स प्राइस नहीं होता है, नेगोशिएबल होता है। अब कितना होता है क्या होता है वीडियो बनाने के बाद आप सब जानते हैं, वहाँ जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, तो आपको ज़्यादा पता हो सकता है इस बारे में, मुझे नहीं है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि नेगोशिएबल होता है, अच्छा खासा होता है, तो वो आप कॉल पे बात कर सकते हैं। नंबर दिया जा रहा है, नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी, तो आप कॉल करके डीलरशिप पे बात कर सकते हैं, जो भी गाड़ी पसंद आए उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक बार, तो अभी तक अगर हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लें, LKO मस्ती 16 हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ वो आपको अपडेट पता चलती रहेगी। और पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि ऐसे प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है जो आप तक फटाफट पहुंचेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गाड़ी जो हमारी होने वाली है वो है वैगनार, जो कि आप सब जानते हैं कि वैगनार की कितनी डिमांड है और बहुत सारे लोग वैगनार के लिए बोलते हैं कि भाई वैगनार दिखाइए अच्छी कंडीशन में। अब ये गाड़ी आप देखिए, गाड़ी की कंडीशन ठीक ठाक लग रही है और साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छी बात कि ये कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये कलर, बाकी आप सबको क्या पसंद है वो आप खुद ही बताएंगे कमेंट्स करके मुझे प्यारे प्यारे। तो ये देखिए, UP 32 लखनऊ का नंबर है, गाड़ी 2007 मॉडल है और प्राइस की बात करें तो 1,45,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। पेट्रोल पे ये गाड़ी है, ओनर फर्स्ट है और ये गाड़ी कितनी चली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 47,000 किलोमीटर मात्र ये गाड़ी चली हुई है, बाकी आप गाड़ी जा कर के डीलरशिप पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए पेट्रोल में खड़ी है, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए कलर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं गाड़ियों के। देखिए पोलो खड़ी है बहुत अच्छी कंडीशन में। गाड़ी की बात करें मॉडल की तो मॉडल है 2010 और मॉडल देखते हुए गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन फर्स्ट ओनर है तो ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई ओनर ने बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी रखी है। साइड प्रोफाइल आप देखिए, बढ़िया लग रहा है गाड़ी का, 2010 मॉडल, ओनर फर्स्ट है, 62,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। बाकी आप वहाँ जा कर के खुद सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं डीलरशिप पर कि हाँ भाई गाड़ी कितनी चली है क्या है, आजकल सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। और गाड़ी का जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2,75,000 रुपये। टायर भी गाड़ी के अच्छे हैं, इंटीरियर भी काफ़ी बढ़िया है, तो 2,75,000 रुपये की आस्किंग प्राइस है और बाकी जो नेगोशिएबल प्राइस है जैसा कि हमने कहा कि आप कॉल करके फाइनल प्राइस इस गाड़ी का पूछ सकते हैं कि फ़ाइनल प्राइस इस गाड़ी का क्या है। और ये गाड़ी है सेकेंड टॉप और पेट्रोल है ये। उसके बाद देखिए टोयोटा की बहुत ही बेहतरीन गाड़ी खड़ी है जिसका नाम है एटियोस लीवा। गाड़ी कितनी बेहतरीन है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी होती है और इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा होता है और गाड़ी का इंजन भी काफ़ी बढ़िया होता है, बहुत पावरफुल इंजन होता है, तो माइलेज और इंजन सब कुछ बढ़िया है गाड़ी का। टायर देखिए अच्छी कंडीशन में गाड़ी दिख रही है, साइड प्रोफाइल भी बढ़िया है, अलॉय व्हील इसमें अलग से लगे हुए हैं और ये डीजल है। गाड़ी ओनर फर्स्ट है, 65,000 किलोमीटर चली है, 2013 का मॉडल है ये, बाकी पेंट वगैरह जेन्युइन बता रहे हैं आप, बाकी आप वहां जा कर के सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अंदर से इंटीरियर देखिए काफ़ी बढ़िया है, जब भी आप डीलरशिप पे जाएं चेक करें सारी चीज़ें अपना, देखिए अंदर से इंटीरियर काफ़ी साफ़ है गाड़ी का और 3,40,000 रुपये इसकी डिमांड है जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद फिर खड़ी है सेंट्रो, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी लग रही है, बाकी तो आप सारी चीज़ें खुद ही चेक कर सकते हैं जब भी आप जाएंगे
डीलरशिप पे जब भी आप आएंगे तो चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद ये देखिए इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का, और ये है 2009 का मॉडल और चली है ये 55,000 के किलोमीटर, ओनर फर्स्ट है गाड़ी, पेट्रोल पे ये गाड़ी है। और ये है आपकी सेंट्रो GLS, और इसकी जो डिमांड कर रहे हैं डीलरशिप पे वो कर रहे हैं 1,75,000 रुपये की, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। जैसा कि मैंने कहा कि प्राइस जो भी बताया जा रहा है ये फिक्स बिल्कुल नहीं है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं और जो आपका प्राइस हो वो आप लगा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, प्राइस जो भी बताया जा रहा है वो सुन करके मत सोचिए कि प्राइस कम नहीं होगा, प्राइस कम होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर खड़ी है होंडा सिटी, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाड़ी ये भी लग रही है, UP 78 कानपुर का नंबर है। साइड प्रोफाइल आप देखिए, काफ़ी बढ़िया साइड प्रोफाइल दिख रही है और गाड़ी भी अच्छी है। ये देखिए अलॉय व्हील भी है इसमें और टायर की कंडीशन भी बढ़िया है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चारों विंडो और सारी चीज़ें। ये सिटी वी मॉडल है, 2011 मॉडल है ये और पेट्रोल है, किलोमीटर 68,000 किलोमीटर चली है केवल, ओनर फर्स्ट है ये गाड़ी। और ये गाड़ी कितने की हो जाएगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस गाड़ी की जो डिमांड कर रहे हैं वो 3,75,000 रुपए की कर रहे हैं, लेकिन डिमांड पर बिल्कुल आप मत जाएं, कॉल करें, कॉल करके फाइनली प्राइस इस गाड़ी का पूछें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। गाड़ी में एयरबैग्स भी मिल जाते हैं, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, अलॉय व्हील, सब कुछ इस गाड़ी में आपको मिलता है। पेट्रोल से माइलेज की बात करें तो लगभग 15 का मिल जाता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगली गाड़ी है एसेंट, और गाड़ी देखिए फ्रंट से जो लुक है गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है, साइड प्रोफाइल आप देखें, साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। और गाड़ी की बात करें तो ओनर फर्स्ट है और चली बहुत कम है, 46,000 किलोमीटर मात्र गाड़ी चली है। और उसके बाद मॉडल की बात करें तो 2015 का मॉडल है गाड़ी ये। गाड़ी आप देखिए बढ़िया कंडीशन में है, सेकंड टॉप है गाड़ी, 3,75,000 रुपए की डिमांड है और ये गाड़ी डीजल है। डीजल से माइलेज की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 18 से कम का माइलेज ये गाड़ी नहीं देती है, तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है अंदर से भी, बाकी आप सारी चीज़ें खुद चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए वाइट कलर में फिर एसेंट खड़ी है, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। और इसकी बात करें तो ये 2016 का मॉडल है और गाड़ी ओनर फर्स्ट ये भी है। गाड़ी चलिए मात्र 48,000 किलोमीटर, डीजल गाड़ी है। बाकी इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन और भी चाहिए आपको तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। प्राइस की बात करें अगर इसका तो प्राइस फिक्स नहीं है, नेगोशिएबल प्राइस है, 4,80,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। सेकंड टॉप है, इसमें आपको पावर विंडो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बाकी आप जाकर के सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं डीलरशिप पर। देखिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है, इंटीरियर भी काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का, 4,80,000 नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स नहीं है, कम हो जाएगा, ओनर फर्स्ट है गाड़ी का। तो गाड़ी अंदर से भी देखिए काफ़ी बढ़िया है। फिर उसके बाद एक और बहुत ही बेहतरीन गाड़ी आपके सामने खड़ी है, जो कि है i20 और ये है 2014 का मॉडल। गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखिए काफ़ी बढ़िया है, और चलने की बात करें गाड़ी कितना किलोमीटर चली है तो अभी ये चली है 65,000 किलोमीटर। ओनर की बात करें तो फर्स्ट ओनर बता रहे हैं इसका। गाड़ी आप देखिए बेहतरीन कंडीशन में है, इसमें आपको अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, एयरबैग भी मिलते हैं, और अंदर से गाड़ी देखिए काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेहतरीन है। तो इस गाड़ी का जो प्राइस बता रहे हैं वो 3,80,000 रुपये बता रहे हैं, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा, फिक्स नहीं है। डीजल गाड़ी है, काफ़ी अच्छा माइलेज है डीजल से गाड़ी का, आप तो जानते ही होंगे कि इस गाड़ी का माइलेज कम से कम 20 प्लस हाईवे पे देती है, बाकी तो 18-17 का आराम से ये गाड़ी माइलेज देती है। तो दोस्तों उसके बाद फिर एक ऐसी गाड़ी सामने आ चुकी है जिसकी डिमांड की बात करें तो वाकई में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस गाड़ी की, और वजह सिर्फ ये है कि 7-सीटर में इससे अच्छी गाड़ी कोई मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि माइलेज भी बढ़िया और गाड़ी भी बढ़िया और 7-सीटर गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी के टायर भी बढ़िया है, साइड प्रोफाइल भी काफ़ी बढ़िया है, और गाड़ी की बात करें तो ओनर फर्स्ट है और ये 78,000 किलोमीटर गाड़ी केवल चली हुई है, 2017 का मॉडल है, डीजल है, और गाड़ी का जो प्राइस है वो है 7,75,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। 17 मॉडल गाड़ी है, VDI है, बाकी प्राइस जो है वो नेगोशिएबल है, फिक्स नहीं है। आप देखें इसमें दो एयरबैग आपको मिल जाते हैं, स्टेयरिंग में आपको काफ़ी फीचर स्टेयरिंग में भी मिल जाते हैं, इसमें पावर विंडो सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको मिल रही हैं। 7-सीटर है गाड़ी, 7,75,000 रुपये इसकी डिमांड है। अब आप खुद देखिएगा क्या इसमें करना है, क्योंकि आप खुद डीलरशिप पे बात करके पता कर सकते हैं कि इसमें कितना फाइनल प्राइस हो सकता है। उसके बाद अगली गाड़ी है बुलेरो, जो कि आपके सामने देखिए आ चुकी है, और गाड़ी देखिए साइड प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है, बेहतरीन गाड़ी है। टायर की बात करें तो टायर भी काफ़ी अच्छे हैं। इस गाड़ी के बारे में बताते हैं आप,
तो ये बुलेरो है ओनर फर्स्ट और गाड़ी चली है ये आपकी 75,000 किलोमीटर और 2014 का मॉडल है गाड़ी। और इसकी बात करें प्राइस की तो 4,65,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा, फिक्स नहीं है। गाड़ी आप देख रहे हैं ये बेहतरीन कंडीशन में है, अंदर से भी देखिए बढ़िया है, नेगोशिएबल प्राइस है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर देखिए खड़ी आपकी अल्टो LXi 2015 मॉडल, ओनर की बात करें तो फर्स्ट है। साइड प्रोफाइल आप देखिए काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का, न्यू जैसी गाड़ी बिल्कुल रखी है, 15 मॉडल है। बाकी तो आप खुद चेक कर सकते हैं जा करके, सारी चीज़ें डीलरशिप पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये देखिए 48,000 किलोमीटर गाड़ी केवल चली है बता रहे हैं, बाकी गाड़ी का जो प्राइस बताया जा रहा है वो 2,75,000 रुपये का बताया जा रहा है जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। अब आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि ये फाइनल कितने की हो जाएगी। उसके बाद फिर अगली गाड़ी है आपकी 2012 मॉडल की खड़ी है i10 जो कि ब्लैक कलर में, देखिए गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। बात करें इसके ओनर की तो सेकेंड ओनर गाड़ी है, साइड प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है और उसके बाद गाड़ी चली है ये 65,000 किलोमीटर और इसके प्राइस की अगर बात करें तो वो 230 की डिमांड कर रहे हैं। 2012 मॉडल की गाड़ी है और पेट्रोल है, ये डिमांड जो है वो फिक्स नहीं है, 230 जो बोल रहे हैं उसमें कम हो जाएगा। आप बात कर सकते हैं डीलरशिप पर, बात करके पूछ सकते हैं कि हाँ भाई ये फाइनल कितने की हो जाएगी। बाकी गाड़ी की कंडीशन आपको बढ़िया लग रही होगी, अंदर बाहर से बेहतरीन है गाड़ी। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख करके बताइएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया करते हुए, कुछ नया दिखाते हुए। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत चाहूंगा, अपना अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें हमारा चैनल क्यों मस्ती। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।